ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਰ ਜੀ ਮੰਡੀ ਮੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਵੀ ਚਲੇਗਾ ਕਿਆ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਚੂਚਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੋ? ਇਹ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਦੇਖੋ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਆਇਓ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਫੀ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। यार आपको मजाक कर रहे हैं, कभी कभी मंडी में जाए ना रेट पूछे, आपको पता चल जाए व्यापारी वहाँ क्या बातें करते हैं। नहीं, 60,000 रुपए का बेहतरीन बकरा है। नहीं बहुत, तुसी लुटे गए हो, तुसी ते शदीद लुटे गए हो शदीद। ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਰ ਜੀ ਮੰਡੀ ਮੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਵੀ ਚਲੇਗਾ ਕਿਆ ਰੇਟ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਕੇ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਲਿਆ ਇਹ? ਇਹ ਹਮਨੇ 65,000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, 65,000 ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਨੇ? ਮਹਿੰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਤਨੇ ਮੇ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆਪ? ਲੁੱਟਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਆਪ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਰੇਟ ਤੋ ਦੇਖੇ ਜ਼ਰਾ आपको। अच्छा, तो क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है की 40 तक का होना चाहिए था। 40 तक मेरे साथ जाते तो आपको मैंने बलैती मुर्गी तो नहीं लेनी थी, बकरा लेना है। बकरा इतने का ही मिलता है मार्केट में? आप ज्यादा रेट जाके पूछे ना, 1-1.5 लाख रुपया बताते हैं। तो मेरे 3 बकरे फेर रहे हैं। अच्छा, ये 40-40 हज़ार के? 40,000? हाँ जी, मैंने तो 65,000 के। चले चले, कोई नहीं, अल्लाह कुर्बानी कबूल करे। अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। योगा कराते हैं, हाय हाय हाय। आप देखिएगा कि अमीन हफीज का बकरा बड़ी खुशी से पार्क में आया है और योगा भी करेगा। नहीं करेगा तो कम अज कम योगा करते हुए हमें देखेगा। आजो 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 मेरा बेटा। मुमताज साहब कल इंशाल्लाह मस्जिद में ईद की नमाज पे मुलाकात होगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। कुर्बानी के लिए जानवर तो खरीद लिया है लेकिन जेब खाली हो गई है। अब मैंने फैसला किया है कि बकरे को जो ज़िबा करने का मामला है, इसके गोश्त बनाने वाली बात है, वो अब ये काम मैं कसाई से नहीं करूँगा। पैसे भी बचाऊँगा और वैसे भी कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से छुरी फेरना, ज़िबा करना और ज़्यादा मज़े की बात है। और फिर अमीन हफीज साहब इसकी खाल भी खुद उतारेंगे और गोश्त भी खुद बनाएंगे। ज़बरदस्त। बेशतर लोगों का कहना है कि ये कुर्बानी का जानवर बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्यारा है और मुनासिब पैसों में मिल गया। लेकिन बाज़ लोगों का कहना था कि ये बहुत महंगा जानवर है। बहरहाल हर एक की अपनी राय है, लेकिन सच्ची बात ये है कि अमीन हफीज ने कुर्बानी का जो जानवर ख़रीदा है वो बिल्कुल मुनासिब पैसों में बहुत अच्छा ख़रीदा है। अल्लाह ताला अमीन हफीज की ये कुर्बानी कबूल फरमाए।